आप देखेंगे, अगर आप ऊपर टाइम देखेंगे तो विथ इन 2-3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट के अंदर मेरे अकाउंट में ये जो पैसा है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो ये बहुत ही आसान, बहुत ही इजी और बहुत ही फास्ट तरीका है। अभी आप मेरे फोन की स्क्रीन पे एक मैसेज देख सकते हैं, इनकमिंग मैसेज, जिस पे ये चीज मेंशन है कि मेरे अकाउंट में 29 USDT क्रेडिट हो चुके हैं, सेम डे क्रेडिट हुए हैं। ठीक है, मैंने ये विड्रॉल संडे को लिया था, आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों की एक कॉमन कंप्लेंट रहती है ओलिम्ट्रेड को लेके। ओलिम्ट्रेड में डिपॉजिट एंड विड्रॉल कैसे करें, कौन से सबसे इजीएस्ट और सबसे फास्ट डिपॉजिट एंड विड्रॉल के मेथड्स अवेलेबल हैं ओलिम्ट्रेड के अंदर, क्या हम यूपीआई या बैंक कार्ड से डिपॉजिट करें। अगर हम यूपीआई, आईएमपीएस और बैंक कार्ड्स यूज करते हैं डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स के लिए, तो हमारे डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स फंस क्यों रहे हैं, टाइम क्यों लग रहा है हमारा पैसा हमारे पास आने में या डिपॉजिट होने में। इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और बहुत ही फास्ट तरीका बताने वाला हूं, करके दिखाने वाला हूं। लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको डिपॉजिट एंड विड्रॉल के लिए कौन से पेमेंट मेथड्स यूज करने। ओलिम्ट्रेड में अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आप ये उम्मीद करते हैं कि जैसे ही आप डिपॉजिट करें वो आपके वॉलेट में रिफ्लेक्ट कर जाए और आप ट्रेडिंग शुरू कर दें। तो सबसे फास्ट मेथड आप लोगों के लिए है USDT, यानी क्रिप्टो मेथड। क्रिप्टो में आप जाएंगे, वहां पे आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं जहां पे आप कोई भी ऑप्शन चूज करके अपने क्रिप्टो वॉलेट से USDT या क्रिप्टो डिपॉजिट कर सकते हो ओलिम्ट्रेड के वॉलेट में और वहां से आप ट्रेड कर सकते हो। आपको ओलिम्ट्रेड के इंटरफेस पे जाना है, वहां पे पेमेंट्स पे क्लिक करना है, डिपॉजिट पे क्लिक करना है, डिपॉजिट अमाउंट आपको सेलेक्ट कर लेना है, पेमेंट मेथड पे आपको क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, क्रिप्टो का वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, क्रिप्टो में आपको TRC20 सेलेक्ट कर लेना है। अमाउंट आपने सेलेक्ट कर ली, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, शो एड्रेस पे आपको क्लिक करना है, आपके सामने यूएसडीटी का एड्रेस आ जाएगा। अब इसके बाद का मेथड आपको बताता हूँ आपको करना क्या। इसके बाद आपको आपकी कंट्री के रेगुलेशंस के हिसाब से देखना है। फिलहाल मैं UAE में हूँ इसलिए मैं बाइनांस यूज कर रहा हूँ। आप जहां पे भी हो उसके हिसाब से चेक करें कौन से क्रिप्टो वॉलेट सरकार यानी गवर्नमेंट ऑथराइज करती है, उनसे आपको क्रिप्टो परचेस करना है। क्रिप्टो परचेस करने का जो मेथड है बहुत ही इजी है। प्लेटफॉर्म पे आपको जाना है, अकाउंट क्रिएट करना है, वेरीफाई करना है अपने अकाउंट को। आफ्टर वेरिफिकेशन P2P मेथड और एक्सचेंज से आप बाय कर सकते हैं क्रिप्टो को। ये क्रिप्टो आप UPI, IMPS या कोई भी अपने लोकल पेमेंट मेथड को यूज करके बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद आपके वॉलेट में USDT या क्रिप्टो शो कर जाएंगे। मैं एक बार USDT की बात करता हूँ, तो आपको क्या करना है, USDT का एड्रेस आपको मिल गया था ओलिम्ट्रेड पे, उस USDT के एड्रेस पे आपको जो आपके क्रिप्टो हैं वो विड्रॉ कर देने हैं। यहाँ पे हर एक प्लेटफॉर्म की एक नेटवर्क फी होती है जो 1 या 2 USDT होती है अगर आप USDT के मेथड से जाते हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने $32 को प्रोसेस किया, तो $30 मेरे अकाउंट में यहाँ पे आ जाएंगे। तो जो $30 है उसके आगे जो $2 है वो नेटवर्क फी है। आप देखेंगे, अगर आप ऊपर टाइम देखेंगे तो विथ इन 2-3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट के अंदर मेरे अकाउंट में ये जो पैसा है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो ये बहुत ही आसान, बहुत ही इजी और बहुत ही फास्ट तरीका है। जो आप कहते हो ना मेरे पैसे फंस गए डिपॉजिट करते हुए, यहाँ पे कभी भी आपके पैसे नहीं फंसेंगे आप अगर USDT यूज करते हो। विड्रॉ भी बहुत आसान है, पेमेंट्स पे जाना है, विड्रॉ पे क्लिक करना है, आपका जो अकाउंट है जहां से आप विड्रॉ लेना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेना है, उसके नीचे ऐड पेमेंट मेथड में जो भी पेमेंट मेथड आप चूज करना चाहते हैं, जैसे फिलहाल मैं बाइनांस पे कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने डिपॉजिट बाइनांस से किया था इसलिए मैं बाइनांस पे यूज कर रहा हूँ फॉर विड्रॉल। बाइनांस पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, या जैसे आप स्क्रिल यूज कर सकते हैं, आप USDT का कोई वॉलेट यूज कर सकते हैं, जो एक्सचेंज आप यूज कर रहे हैं उसका वॉलेट कर सकते हैं। पेमेंट मेथड में मैंने बाइनांस पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे मुझे बाइनांस की ID, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेरा मेंशन करना है। मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे मेंशन कर लिया, बाइनांस की आईडी मुझे बाइनांस की एप्लीकेशन में मिल जाएगी, कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं नीचे कंटिन्यू का बटन आएगा, जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं वहां पे आपको मेंशन करना है कि आपको कितने USD का विड्रॉल लेना है। विड्रॉल रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाती है जैसे आप कंफर्म करते हैं। अभी आप मेरे फोन की स्क्रीन पे एक मैसेज देख सकते हैं, इनकमिंग मैसेज, जिस पे ये चीज मेंशन है कि मेरे अकाउंट में 29 USDT क्रेडिट हो चुके हैं, सेम डे क्रेडिट हुए हैं। ठीक है, मैंने ये विड्रॉल संडे को लिया था, आप चेक कर सकते हैं। संडे के दिन यहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम लग गया 10-15 मिनट का, लेकिन अगर आप संडे के दिन नहीं यानी वर्किंग डेज के अंदर डिपॉजिट एंड विड्रॉल करते हैं तो डिपॉजिट आपका विद इन 1 मिनट
और विड्रॉल आपका विद इन 6 मिनट्स के आसपास हो जाता है, 5 से 6 मिनट के आसपास आपका विड्रॉल आपके अकाउंट में आ जाता है। जैसे ही आपके क्रिप्टो एक्सचेंज में आपका विड्रॉल आ जाता है, वहां से आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले सकते हैं वाया UPI, IMPS या जो भी मेथड आप सेलेक्ट करें उससे। बहुत ही इजी है, सिंपल है, आसान है और फास्ट है। यूज जरूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं या टेलीग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है, बट ये जो मेथड है काफी एफिशिएंट है। कभी कोई प्रॉब्लम अभी तक मुझे फेस करने को नहीं मिली है। आज तक की डेट में मैं यही मेथड यूज करता हूं और मेरे पास किसी भी यूजर की कोई कंप्लेन नहीं आई है रिगार्डिंग दिस मेथड। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये मेथड यूज करें, क्योंकि अगर मेरे पास एक भी कंप्लेन आती तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता, उसके पीछे रीजन जानने की कोशिश करता और फिर आपको बताता। लेकिन यहाँ पे मुझे एक सिंगल कंप्लेन भी नहीं आई है कि मैंने विड्रॉ प्रोसेस किया और मेरा विड्रॉ 5 दिन हो गया आया नहीं, मेरा विड्रॉ 1 दिन हो गया आया नहीं। यहाँ पे विड्रॉ आपको विद इन द सेम डे डिपॉजिट, सेम डे क्या, फ्यू मिनट्स के अंदर होता है। तो अल्टीमेट बहुत अच्छी लगी मुझे ये प्रोसेस और आप भी यूज कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने बनाई है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर विड्रॉ करते हैं विड्रॉ नहीं होता है, डिपॉजिट करते हैं डिपॉजिट नहीं होता है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, अपनी कंट्री के अंदर जो रेगुलेशंस है या कंप्लायंसेस है क्रिप्टो को लेके या ट्रेडिंग को लेके, उनको ध्यान में रख के आप ये चीजें करें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच यार गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।